ये जनाब एक नया रेशन पैडल तैयार करने लगे हैं जो ये टैंक में लगाने के लिए। ये उसका प्रोसेस जारी है, ये जैसे सॉल्यूशन वगैरह लगा के से तैयार करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। कलार के तो वजन पार। ये जनाब इन्होंने जॉइंट लगा दिए इसी तरह, ये चारों तरफ लगा के से करेंगे, फिर इसमें रेशन ट्यूब्स लगाएंगे। ये जनाब काफ़ी धींगा मुश्ती के बाद पैडल तैयार हो गया, सॉल्यूशन वगैरह लग के। अब इसमें आपको ये नोजल्स नज़र आ रही होंगी, इनके साथ ये एयर ट्यूब्स लगाएंगे, सारों के साथ ये फिक्स कर देंगे। और ये जो जगह है इस जगह से इसको मेन कनेक्शन मिल जाएगा फ्लोर का, जहाँ से हवा इसके अंदर जाएगी और ये एरो ट्यूब प्लगिंग इनके ज़रिए ये आगे जाएगी। ये एरो ट्यूब्स आ गई हैं, हर नोज़ल पे चढ़ा के इसको ये क्लंप लगे हुए हैं, क्लंप के साथ ये टाइट कर देंगे। ये जड़ियाँ ट्यूबा ने इन्होंने साफ करना कि इंजी ला देना। ये हर एक उत्ते लाना के सिर्फ होने लीकेज खत्म करना। ये जनाब एरो ट्यूब आ गई है, ये पहले चाइना की बनी फिटिंग आई थी, उसको उन्होंने ख़त्म करके पाकिस्तानी जुगाड़ ये क्लंप लगा के, जो सिंपल पाइप क्लंप होता है हमारे यहाँ इधर मिल जाता है, उसको लगा के ये इसके साथ नोज़ल के ऊपर चढ़ा के इसको ये टाइट कर दिया। उस साइड से देख के ये पन थोड़ी जी परा कर लो, इन इधरों बद गया उत्ते चाड़ लो होर। अच्छा ये तो फिर कटोगे सही, सही। वो कसे नहीं जान गए ना, वो ऑलरेडी जिन्ने टाइट होने सन हो गए ने। बहुत फायदा है, एक पिछों वोल्टेज अगर कोई एक फेस मिस होंदा है फिर भी इन्हें मोटर नूं नहीं चलन देना, ठीक है। तो अगर अगे एक मोटर नूं मसला है तार दा, कुछ एक तार टुट गई तिना तारा चो या कोई शार्ट हो गई है, फिर भी इन्हें मोटर नहीं चलन देना, करने बंद हो जाए ब्रेकर, यानी कि जो एरर दे देगी, इतने एरर दे देगी। अच्छा, फिर जो तुम इन चलाना है इन्हें जीरो चक्कर तो ऐसा 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 पूरे चक्कर करने ने 2800 चक्कर है या जिन्ना भी मोटर, फिर जो बंद करना है उदो भी इन्हें ऐसा ऐसा डाउन करके बंद करना, ठीक है। थले की ब्रेकर लाए, ब्रेकर ने सर्किट ब्रेकर ने सर्किट ब्रेकर केड़ी कंपनी दे ने मोटर चलन सारा कुछ करन। ये जनाब इन्होंने नए ब्लोअर इंपोर्ट किए हैं चाइना से, अभी इनके कनेक्शन नहीं हुए, इलेक्ट्रिकल तारे दे के कनेक्शन दे के इन्होंने अपने एक पॉइंट पे से चेक कर लिया कि ये रेशन वगैरह सही क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये वही है, ये भी इनकी रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ये इसके पैरामीटर्स हैं। उल्टी साइड पे खड़ा हूँ, आप इसे सीधा करके पढ़ लीजिएगा, 1.6 किलोवाट, वो मेरे ख्याल 2.4 किलोवाट के थे जो पहला मैंने आपको दिखाया, ये उससे कम है। ये इस जगह पे इसके ये कनेक्शन के साथ कर देंगे, यहाँ से ये अपनी एयर ब्लो करेगा रेशन क्रिएट करने के लिए पॉन्ड्स में।